मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इट्स ग्रेड सिक्स चैप्टर 10 मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। अब हम पढ़ेंगे मोशंस क्या है, गति मेजरमेंट जो नापना होता है, और डिस्टेंस दूरी कितने कैसे क्या होते हैं। ऑन री ओपनिंग ऑफ स्कूल द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स हाउ दे स्पेंड देयर टाइम समर वेकेशन। सी आस्क्ड इफ एनी वन हैड गॉन आउट ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द समर वेकेशन एंड हाउ दे ट्रेवल्ड। Sikha said that she visited her grandparents in Hyderabad. She along with her parents went by an aeroplane. Rahul said that he went with his parents to Manali, a hill station, by their own car. Nikita told that she travelled with her parents by train to Lucknow to spend her summer vacation with her maternal uncle's family. अब सब टीचर जब पूछे कि आप समर वेकेशन में कहाँ कहाँ गए थे, सब अपने अपने बता दिए कि कोई खुद के कार से गए थे, कोई एरोप्लेन से गए थे, कोई ट्रेन से गए थे। रिया डिड नॉट गो एनीवेयर, शी स्पेंड हर एंटायर वेकेशन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट एनिशेंट इंडिया। डू यू नो हाउ पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन अर्लियर टाइम्स। लेट अस नो द स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट। आप ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ेंगे कि एक से दूसरे जगह जाने के लिए क्या क्या हेल्प ले रहे हैं, वो कोई ट्रेन से जा रहा है, कोई एरोप्लेन से जा रहे हैं, कोई अपने खुद के कार से जा रहे हैं। देन स्टोरी ऑफ ट्रांसपोर्ट इन एनिशियंट टाइम व्हेन नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वेर अवेलेबल पीपल ट्रेवल मेनली ऑन फुट एंड कैरीड लगेज ऑन देयर बैक। पहले जब ट्रांसपोर्ट नहीं थे तो पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, पैदल ही जाते थे और जो उनके लगेज थे उनके बैक में पीठ में उठा के लेके जाते थे। आफ्टर डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स ह्यूमन बींग स्टार्टेड यूजिंग एनिमल्स सच एज हॉर्स कैमल एंड एलिफेंट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड कैरिंग गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। कुछ दिन के बाद क्या करने लगे, एनिमल्स को हेल्प लेने लगे, जैसे कैमल्स हुए, एलिफेंट हुए, हॉर्स हुए, ऐसे लेने लगे। द इन्वेस्टिगेशन ऑफ व्हील ब्रॉट अबाउट मैनी चेंजेस। जब व्हील के इन्वेस्टिगेशन हो गया उसके बाद बहुत सारे चेंजेस हो गए। कार्ट पुल्ड बाय एनिमल्स वेर यूज टू ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, बैलगाड़ी बनाने लगे। द व्हील इज नाउ द बेसिक ऑफ ऑल आवर व्हीकल्स लाइक बाइसाइकिल स्कूटर्स कार एंड मोटर बाइक्स। द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजिन इंट्रोड्यूस ए न्यू सोर्स ऑफ पावर। इट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेन एंड ऑटोमोबाइल्स। मोटर शिप्स वेर यूज टू मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट्स ऑन वाटर। अब जब व्हील्स वगैरह हो गए उसके लिए, उसके बाद भी बहुत अच्छे मतलब जाने आने का तरीका हो गया। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, जब स्टीम इंजन आ गए, स्टीम इंजन के बाद भी बहुत सारी चीज़ें मोटर शिप वगैरह सब आने लगे। टूडे इलेक्ट्रिक ट्रेन एरोप्लेन सुपरसोनिक जेट्स एंड हाई स्पीड ऑटोमोबाइल्स हैव फर्दर रिड्यूस द टाइम टेकन टू ट्रेवल। स्पेस शिप आर यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन टू आउटर स्पेस। अब इसके बाद इलेक्ट्रिक ट्रेन वगैरह से और भी अच्छा पूरा मॉडर्न टाइम के हमारे हो गए जो ट्रांसफर होते हैं। तो व्हाट इज़ मेजरमेंट, मेजरमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन साइंस एंड इन आवर डेली लाइफ। एट व्हाट टाइम शुड वी गेट अप, कितने बजे हम उठते हैं। हाउ मच टाइम डू यू टेक टू गेट रेडी, आपको रेडी होने के लिए कितने टाइम लगता है। दिस क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू मेजरमेंट ऑफ टाइम। मेजरमेंट ऑफ टाइम मतलब टाइम को हम नापते हैं कि कितने टाइम में आपको रेडी होने के लिए टाइम लगता है, कितने टाइम में आप खाना खाते हो। हाउ मच डिस्टेंस डू वी हैव टू ट्रेवल फ्रॉम आवर होम टू आवर स्कूल, हमारे स्कूल से घर तक कितने दूरी है। दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ लेंथ। व्हेन वी बाय फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स द शॉपकीपर्स मेजर्स द क्वांटिटी, दिस इज द मेजरमेंट ऑफ मास। व्हेन वी फॉल इल द डॉक्टर मेजरमेंट आवर बॉडी टेम्परेचर। अब मेजरमेंट करने का तरीका सब चीज़ों में बता दिए कि दूरी हमें नापनी है कि हमारे घर से स्कूल कितने दूरी है और हमें जाने के लिए कितना टाइम लगता है। वेजिटेबल शॉपकीपर क्या करते हैं, जब वो वेजिटेबल्स वगैरह बेचते हैं तो वो वेजिटेबल कितने किलो है ये देखते हैं। और डॉक्टर जब हमारी तबीयत ख़राब होती है हमारे बॉडी टेम्परेचर नापते हैं। मेजरमेंट इज़ द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग द अननोन क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू बी मेजर्ड विथ ए फिक्स्ड नोन क्वांटिटी कॉल्ड ए यूनिट। हमें जो चीज़ पता ही नहीं रहता था हम मेजरमेंट करते हैं तो हम
क्वांटिटी में क्या लेते हैं, यूनिट लेके चलते हैं। अभी जैसे इसमें टेबल में बता रखा है टाइम डिस्टेंस लेंथ एंड मास। थिंक ऑफ सम मोर केसेस वेयर यू नीड द मेजर एंड राइट द इन टेबल गिवन बिलो। आपको देखना है टाइम कितना लगा, कहाँ से कितने दूरी तक, और डिस्टेंस कितना दूरी है, लेंथ क्या है, मास क्या है, ये सब देखनी है। एनी क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड ए फिजिकल क्वांटिटी। कोई भी क्वांटिटी को हम मेजर करते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल लेंथ, मास, वॉल्यूम, टाइम, स्पीड एंड टेम्परेचर आर फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट, स्टैंडर्ड यूनिट क्या है। इन अर्लियर टाइम पीपल यूज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी टू मेजर लेंथ। पहले जब इंच टेप नहीं थे, जब कोई मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट नहीं थे, तो क्या करते थे, वो हाथ से ही अपने बॉडी पार्ट से ही वो लेंथ को मेजर करते थे, हाथ से ही करते थे। द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट वॉज मेजर्ड बाई हैंड स्पैन। हैंड स्पैन इसमें क्यूबिट स्पेस फुट एंड पाथ फ्रॉम। इससे हमें पहले क्या करते थे, ऐसे ही नापते थे हम, जब हमारे पास मेजर करने का कोई भी तरीका नहीं था। हैंड स्पैन, क्यूबिट स्पेस एसेट्रा यूनिट बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट आर नॉट एक्यूरेट एंड रिलेबल। अब दे कैन नॉट बी यूज एज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट एज द लेंथ ऑफ बॉडी पार्ट्स चेंजेस द पर्सन टू पर्सन। देयर फॉर पीपल रियलाइज द नीड ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब जैसे पहले के टाइम में क्या करते थे, जब ये हैंड स्पैन अपने फुट प्रिंट ऐसे करके नापते थे, तो उसमें क्या होता था, किसी के हाथ बड़े रहते थे, किसी के छोटे रहते थे, तो वो मेजरमेंट पूरे सही नहीं आते थे, मेजरमेंट कभी भी सही नहीं आते थे। तो वो यूनिट मतलब स्टैंडर्ड मेजरमेंट नहीं होते थे। टू शो दैट हैंड स्पैन इज द रिलेबल यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। अब इसमें बता रखा है मेथड क्या दे रखा है, मेजर द लेंथ ऑफ ए गिवन टेबल विथ योर हैंड स्पैन। हैंड स्पैन इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द थंब एंड द टिप ऑफ द लिटिल फिंगर ऑफ ए फुली स्ट्रेच्ड हैंड। सपोज इट इज 8 हैंड स्पैन। नाउ आस्क योर यंगर ब्रदर और सिस्टर टू मेजर द लेंथ ऑफ टेबल बाई हिज और अनहेयर हैंड स्पैन। इज इट ऑल्सो 8 हैंड स्पैन? नो, इट इज अबाउट 10 हैंड स्पैन। अब हम नापेंगे जो होगा हमारे, अगर छोटे भाई बहनों से करवाएंगे तो वो छोटे नाप में आएंगे, तो मतलब सेम आ ही नहीं रहे मेजरमेंट लेंथ विथ हैंड स्पैन। दिस एक्टिविटी शो दैट हैंड स्पैन इज नॉट रिलेबल यूनिट फॉर मेजरिंग लेंथ। और इससे हमें पता पड़ता है कि कभी भी जो हैंड स्पैन होते हैं रिलेबल नहीं है, कि मेजरमेंट सबके बराबर आते हैं। स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट आर दोज दैट हैव ए फिक्स्ड क्वांटिटी दैट देयरफॉर डू नॉट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड प्लेस टू प्लेस। इट इज़ नेसेसरी टू हैव स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट फॉर यूनिफॉर्मिटी एंड कन्वर्जेंस इन मेजरमेंट। अभी हमें ऐसे चीज़ें आ गए हैं जो मेजरमेंट करने के लिए जो सेम आते हैं, कोई भी अगर मेजर करे तो सेम आएंगे। अब हमें पता पड़ गया कि मेजरमेंट क्या है। थैंक यू।